लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले गए मैच की सूरत हाल इस तरह है। लाहौर कलंदर ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया। फखर जमान ने 38 स्कोर किए और अब्दुल्ला शफीक ने 45 स्कोर किए। लाहौर की जानब सबसे नुमाया स्कोर बनाने वाले अब्दुल्ला शफीक हैं और बेग भी उन्होंने भी इतने ज़्यादा स्कोर नहीं बनाए और अपने 136 पे 3 खिलाड़ी लाहौर के आउट हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं राशिद खान जो है पुल करते हुए कैच आउट हो चुके हैं, उनके बाद वो नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं और रजा सिकंदर रजा अभी उन्होंने 2 स्कोर बनाए हैं और वीज़ ने अभी तक 12 स्कोर किए और 159 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी तक तो शानदार बैटिंग कर रहे हैं लाहौर की जानिब से। ये आउट होकर जाने वाले बैट्समैन हैं राशिद खान जिन्होंने 18 स्कोर बनाए हैं और इस वक्त लाहौर की जो पोजीशन है मजबूत है। लाहौर के आल 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 200 का टारगेट दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में मोनरो अभी आए हैं और 41 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं बल्कि 1 विकेट गिर चुकी है। और ये टीम इस्लामाबाद की आसिफ अली और आज़म खान पे बहुत डिपेंड करती है। अभी 55 पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आज़म खान ने बहुत शानदार पहला मैच खेला था, उसने 97 स्कोर बनाए थे। 55 पे 2 खिलाड़ी इस्लामाबाद के आउट हो चुके हैं और 59 पे भी 2 हैं। आज़म खान ने बहुत शानदार बैटिंग की थी। अभी 68 पे 5 खिलाड़ी हो चुके हैं। आसिफ अली भी आउट हो चुके हैं, उन्होंने 3 स्कोर बनाए हैं। वो पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। एक और बड़ी धचका लगा है इस्लामाबाद। 68 पे 5 राशिद खान ने LBW कर दिया है आज़म खान को। आज़म खान ने 7 गेंदों का सामना किया और 4 स्कोर बना के 68 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी बहुत डीपली ट्रबल। 81 पे 6 आउट हो चुके हैं। इस्लामाबाद की जो विकटें हैं वो रेत की तरह गिर रहे हैं। 110 स्कोर से हार गई है इस्लामाबाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।